इस वीडियो में हम सोशल वर्क यानी समाज सेवा पर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे देखेंगे। यदि आपको समाज सेवा पर संस्कृत भाषा में निबंध चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और आसानी से आप समाज सेवा का निबंध संस्कृत में पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सोशल वर्क पर ऐसे। तो वी यानि हम, शुड यानि चाहिए, डू यानि करना, सोशल वर्क यानि सामाजिक कार्य, इन लाइफ यानि लाइफ में। तो वी शुड यानि हम सभी को अपने जीवन में सामाजिक कार्य करना चाहिए। वी शुड गिव मनी टू पुअर पीपल, हमें जो पुअर पीपल होते हैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, मनी देना चाहिए। ये उसी संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो काफ़ी बहुत लोअर लेवल और बहुत ईजी इंग्लिश आपको दिखेगी। वी शुड टीच टू पुअर पीपल, हमें जो पुअर पीपल हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। पुअर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये थोड़ा सा लाइन में गड़बड़ हो गई है, आप यहाँ से इसको स्टार्ट करना, इस लाइन को इधर से स्टार्ट करना, देखिए इधर से लिखना, उसके ये इतना बस लिखना, इसे काट दीजिए, ये जो लिखा है फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखना है वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, इतना बस आपको लिख देना है, यानी हमें पुअर पीपल की हेल्प करनी चाहिए, ये कट हो जाएगा। थर्ड के बाद फोर्थ ये पॉइंट है, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ, वी फील हैप्पी वाइल हेल्पिंग द पुअर पीपल, जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है जिस टाइम हम हेल्प करते रहते हैं। इट इज़ अ सीक्रेट ऑफ सोल पीस, ये जो है ये सोल पीस यानि आत्म शांति, सोल पीस यानि सीक्रेट यानि रहस्य है, ये आत्म शांति का एक रहस्य है। तो इसे जो है इसको इसी से ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से, क्योंकि आपकी जो डिमांड थी इसलिए। सर लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।